हम अभी के अभी बड़ौदा वापस जा रहे हैं। सच कह रहे थे हमारे पति, औरत अपने घर की चार दीवारों में ही सुरक्षित रहती है। एक मिनट आप हमें एक मौका दीजिए, हम सब सही कर देंगे। हमने इसे चीते को कहा था कि वो अब सॉरी मैडम, अब हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते और अब तो हम अपना वोट भी आपको नहीं देंगे। हमारे पति का ही फोन है, हम उन्हें सब सच सच बता देते हैं और अभी उन्हें यहाँ बुलाते हैं। एक मिनट, हमें हमारी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए, हम सब सही कर देंगे। उस हुडी वाले चोर को हम पकड़ कर लाएंगे यहाँ पे। आप समझिए हमारी बात को, थोड़ा भरोसा रखिए। और ये सब हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, समझिए आप। हेलो, जय श्री कृष्ण। अरे क्या बात है, तुम्हारी आवाज में घबराहट कैसी है? तुम्हें ठीक तो छेन है? हाँ, एक मिनट। हेलो, रच्चो तो बहुत मजे कर रही है यहाँ पे, पूरा लखनऊ शहर घूम रही है, बहुत खुश है। आप कौन? मैं कामिनी, रच्चो ने मेरे बारे में बताया होगा ना, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। वो घूम नहीं रही है, वो पुलिस थाने में है। शू? मतलब मेरी वाइफ आपके थाने में क्या कर रही है? सब ठीक तो है ना मैडम? हाँ प्लीज, अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी वाइफ हमारे साथ हैं, थाने में हैं और बिल्कुल सेफ हैं। वो घर अपने वापस आना चाहती हैं, सो प्लीज आप यहाँ आइए और इन्हें लेकर जाइए। बाकी बातें आप यहाँ आएंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है मैम, मैं पहली फ्लाइट लेके लखनऊ आ रहा हूँ, आप प्लीज उसका ध्यान रखिएगा, वो घबराए नहीं। मैं आ रहा हूँ मैडम। जी Yes! हमारे डिपार्टमेंट की वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पुष्पा जी, इन्हें प्लीज अंदर लेकर जाइए, जब तक इनके हस्बैंड नहीं आते वो थोड़ी देर आराम कर लेंगे। प्लीज। जी आइए। जय महाराज। चलिए महाराज, आपकी वजह से करिश्मा मैडम का वोट गया हमारे। संतु जी, आपको मैंने सारी लाइन याद कराई थी, आप फिर भूल गए। कोई बात नहीं, मुझे देखिए, मैं करके दिखाता हूं। सुनहु देव रघुवीर कृपाला एही मृग। एक बार और ट्राई करता हूं, इस बार होगा, देखिए। नहीं नहीं, एक मिनट सुनो सनी, तुम खुद बोल रहे हो तुमको खुद को याद नहीं है, कैसे होगा, इतना आसान नहीं है सनी। संतु जी मुझे याद है, एक और बार ट्राई करता हूँ, देखिए होगा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला एही मृग। सुनहु देव रघुवीर कृपाला एही मृग कर अति झाला। अर्थात हे देव, हे मेरे कृपालु रघुवीर, इस मृग की छाल जो है वो अत्यंत सुंदर है। चीते, तुझे चौपाई आती है? आती है मतलब? संतु जी हमको लग रहा है ना कि आप हमारा उपनाम भूल गई हैं। हमारा उपनाम है चेतेश्वर चतुर्वेदी। चतुर्वेदी कौन? चारों वेदों के ज्ञाता, प्योर ब्राह्मण है हम। हाँ चीते, बहुत बढ़िया किया, बहुत मजा आया। तू चल निकल यहाँ से, देख नहीं रहा है, हम लोग रिहर्सल करने, डिस्टर्ब मत। निकल निकल मतलब रिहर्सल देखने आए संतु जी का, हम देखेंगे। हाँ हाँ। तो सीता मैया के इस संवाद के बाद प्रभु श्री राम कहते हैं कि यदि आपको ये मृग इतना ही लुभावना लगा है तो यदि आपको ये मृग इतना ही लुभावना लगा है प्रिय, तो मैं इस मृग को आपके लिए अवश्य ही लेकर आऊंगा। वाओ चीते, तूने तो कमाल कर दिया। बालक चीतेश्वर, ये तुम्हारी वाणी का ज्ञान, भाषा का ज्ञान देखकर ये रावण तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन ये रावण याद करना चाहते हैं कि ये ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ मतलब? क्या बात कर रहे हैं बिल्ले यार, बचपन से हमारे गांव के रामलीला में एकदम सक्रिय रोल निभाते हुए आए हम। तू मानेगा नहीं बिलौटे, रामायण में और महाभारत में कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो हम स्टेज पर निभाए नहीं है, चाहे उसका संवाद नहीं है, जो हमको कंठस्थ याद नहीं है। सही में
चीते तुझे सीता मैया के संवाद भी आते हैं? अरे बिल्कुल याद है, सीता मैया का पूरा संवाद याद है हमको। हाँ तू कर लेना ये। नहीं संतु जी, अब एक बार और प्रैक्टिस कर लेते, क्या पता। मैंने ना सनी को कहा भी था लेकिन वो जिद कर रहा है, मुझसे नहीं होगा, तू कर ले। और मैं जानती हूँ तू मुझे कभी ना नहीं बोलेगा। एक बार मैं जाती हूँ, एक बार प्रैक्टिस कर लेते, क्या पता। मेरी ट्रिक अब आ गई। चुप ना रे, तो इन नाभि में ही गोली मार देंगे। महिला थाना जनपद नगर। आपको थाने जाना है? जी मेरी वाइफ को लेने जाना है। आपकी वाइफ? जी वो बड़ौदा से आई है ना, रचना। ओ वो आपकी वाइफ है? जी। आइए साथ में चलते, आइए। थैंक यू। रचना। वैभव। बस कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, नो टेंशन। अब बोलो क्या हुआ। वैभव अच्छा हुआ आप आ गए, आप सही थे। एक अकेली औरत का इस दुनिया में रहना सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, पर मैं ही गलत थी, निकल पड़ी अकेले। पर मैं आपसे वादा करती हूँ अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मने माफ करी दो। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। और जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी करो चले। अब रुकिए, करिश्मा मैडम आप हसीना मैडम को बुला देंगी? जाने से पहले हमें उन्हें थैंक यू कहना है। मैडम से जितना हमने पता लगाया है उसके हिसाब से तो रचना जी की हस्बैंड। मैडम सर, रचना का हस्बैंड रचना को लेने आ गया है, और रचना जाने से पहले आपको धन्यवाद करना चाहती है, तो आप आइए मिल लीजिए उससे। हाँ वो बताया हमें संतोष ने, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पति को पता कैसे चला कि उसे आना कहाँ। ना ही हमने थाने का एड्रेस बताया, ना ही हमने अपना नाम बताया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हमने, तो उसे कैसे पता कि रचना कहाँ है। संतोष शर्मा एक काम करिए। हाँ क्या नाम बताया इसके पति का? वैभव बताया। हाँ ना? वैभव की कॉल हिस्ट्री निकालिए, देखिए कि पिछले दो दिनों में उसका फोन कहाँ है। जी मैडम सर। जा ये क्या है? क्या हुआ? ये मैडम सर पिछले दो दिन से इनके हस्बैंड का फोन यहाँ लखनऊ में एक्टिव बता रहा है। इनफैक्ट जहाँ जहाँ रचना जी जा रही है वहाँ वहाँ एक्टिव बता रहा है मैडम सर। इसमें तो ये भी पता चल रहा है कि जिस दिन रचना जी यहाँ लखनऊ में आई थी ना, ठीक उसी दिन उनके हस्बैंड ने बड़ौदा से लेके लखनऊ की फ्लाइट बोर्ड की थी मैडम सर। इनफैक्ट उनसे पहले वो यहाँ लखनऊ में पहुँच गए। नहीं नहीं फिर इसका मतलब क्या हुआ? पुष्पा जी आपको अभी समझ में नहीं आया? इसका मतलब यही है कि पिछले दो दिनों से जो आदमी रचना को परेशान कर रहा है, वो हुडी वाला चोर, वो आदमी जो चाकू लेकर उसके पीछे हमला करने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं रचना का हस्बैंड वैभव है। क्या? मेरे ही पति? पर मेरे ही पति ऐसा क्यों करेंगे? अपनी ही पत्नी का पर्स चुराएंगे और अपनी ही पत्नी को चाकू से जान से मारने की कोशिश क्यों? सीधी सी बात है रचना, जब बरसों से जकड़ी हुई बेड़ियों पर मर्दों की चढ़ाई हुई धूल साफ होगी तो मर्दों को तो तकलीफ होगी ना। औरत को आजादी देने का मतलब है अपनी आधी आजादी कुर्बान कर देना, और ये बात डाइजेस्ट करना मर्दों के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। 2 मिनट दीजिए मैडम सर, उसका हाजमा ठीक करते हैं अभी जाकर। रुक जाइए करिश्मा सिंह, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैडम सर आप फिर दखल अंदाजी कर रही हैं। वो तो आप भी कर रही हैं करिश्मा सिंह, मंजिल एक है तलबगार दो, तो किसी एक को तो रास्ता छोड़ना होगा ना।
अगर ऐसा है तो मैडम सर आप अपना रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। ये केस हमारी तरीका से सॉल्व होगा। करिश्मा सिंह, हम भी जब निकलते हैं ना तो पहुंच कर ही दम लेते हैं। रास्ता बदलने की फितरत हमारी भी नहीं। ये केस हमारे तरीके से ही सॉल्व होगा। मैडम सर, हम क्या कह रहे हैं, ये समस्या रचना की है। हाँ, तो क्यों ना उसे ही तय करने दे ये केस वो किससे सुलझाना चाहती है, आपसे या करिश्मा जी से। मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा ना सब कुछ। हाँ बोलो 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 रचना बोलो। हसीना मैडम, ये रावण का वॉक ठीक है? बहुत। बाप रे, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी शक्ल देखी देखी सी है। बस ना रे, सीआईडी ऑफिसर का खुजली। कितना सवाल जवाब कर रहा है उनसे, क्या कर गई, सजा सुना देगा क्या उनको, फांसी पर लटका दोगे। ये तुम्हें करना था सवाल जवाब, तुम पुलिस वाले हो, कैसे तुमको पुलिस में भर्ती किया। हा, 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 हा। ये रावण का हंसना ठीक है, आओ इधर आओ, रेसल करते हैं। हाँ जी भाई साहब, वो रचना ना अंदर हसीना मैडम को थैंक यू बोलने गई थी, बड़ी देर हो गई है और हमें ना वापस निकलना है। प्लीज आगे आओ। रचो चले। जी नहीं, आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि इनकी छुट्टियां अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। ये आप क्या बात कर रही हैं मैडम, यहाँ पे रचना की जान को खतरा है, कोई उसे मारना चाहता है, वो कोई हुडी वाला चोर। वो चोर? अरे उसको तो कब का हमने पकड़ लिया, अब वो कानून की गिरफ्त में, उससे अब आपकी पत्नी को कोई भी खतरा नहीं है, है ना मैडम। अच्छा अच्छा, आपने पकड़ लिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चले रचना। एक मिनट रुक जाइए रचना, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, अब तुम इत्मीनान से अपनी छुट्टियां मना सकती हो। अरे ये आप क्या बात कर रही है मैडम, अब काहे का इसका ये हॉलीडे वॉलीडे, क्या जरूरत है रचो इसकी, चलो रचो अब हम यहाँ पे रुकेंगे, चलो। रचना छुट्टियां मनाने आई है तो छुट्टियां मनाकर ही वापस जाएगी। मैडम एक मिनट, वो मेरी वाइफ है रचो, क्या जरूरत क्या है इस हॉलीडे की है, और तुमने मुझे बुलाया था ना, तो अब मैं आया हूँ तुम्हें लेने, चलो मेरे साथ। वैभव, मैं यहाँ अकेले हॉलीडे मनाने आई हूँ, तो अभी भी उसमें 2 दिन बाकी है, और अभी मैंने ठीक से लखनऊ भी नहीं देखा, और वो जो मेरी दोस्तार है ना, उससे भी तो मिलना है, ढेर सारी बातें भी तो करनी है उससे। अरे उसके लिए यहाँ पे रुकने की क्या जरूरत है, फोन है ना, और वीडियो कॉल कर लेना, करती रहना जितनी बातें करनी है तुम्हें। अरे ये क्या बात हो गई, इतनी दूर से आने के बाद अपनी सहेली से मिलकर भी ना जाए, अरे 2 दिन की तो बात है, करने दो ना उसको अपनी छुट्टी। तो मैडम ये 2 दिन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आराम, 2 दिन आराम करिए। देखिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज तो नहीं है, लेकिन हमारे थाने में हवा बहुत अच्छी चलती है। मतलब ये है कि आप हमारे शहर मेहमान बनकर आए हैं, तो हमें मेहमान नवाजी का एक मौका तो दीजिए। ये रहा हमारा आलीशान सा लॉकअप, वहां पे आप रहिए 2 दिन इत्मीनान से, इनकी छुट्टी खत्म हो जाएगी, तब आप खुशी खुशी इन्हें ले जा सकते हैं। मैडम ये अब क्या बात कर रहे हैं, अरे आई आई, अरे अरे छुट्टी, अरे क्या कर रहे, अरे ऐसे कैसे, अरे मैडम ये क्या मजाक लगा रखा है, एक तो मेरी बीवी पे अटैक हुआ है, आप मुझे अंदर, अरे क्यों अंदर डाल रहे इसको, अरे अरे मैडम ये क्या कर रहे हो मैडम, ये रुक जाओ तुम, क्या 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 क्या, कोई भी केस हो, कोई भी मुजरिम हो, बस उसको उठा के बिल्लू निवास में डाल देते हैं, ये अन्याय है बिल्लू निवास पर, ये मैं सहन नहीं करूंगा, मेरा इंटरव्यू। बिल्ले चुप, अरे आप छोड़ो अपना बिल्लू निवास, मैडम मैडम ये क्या कर रहे हो आप, मैडम ये कोई जगह रहने के लिए है ना, यहाँ पे हवा है ना पंखा है, गर्मी है, कोई बात नहीं हम पंखा लगवा देंगे, चीते पंखा लगा देना। अरे मैडम नहाना धोना खाना पीना सब कुछ करना होता है, उसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना। अरे उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ है ना अंदर बाथरूम, वहाँ जो करना है करो, और रही खाने की बात, अरे हम तो इतना अच्छा खाना बनाते है ना
और आज तो मटर पनीर लेकर आए हैं, अपने हाथों से बना के घी का छौंक लगा के खिलाते। अरे मैडम, ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? अरे मेरे को अपने ऑफिस का काम करना होता, कितना नुकसान हो रहा है मेरा, यहाँ से अपना काम करूंगा, उसके लिए तो ऑफिस जाना पड़ेगा ना मेरे को मैडम। अरे क्यों, यहाँ बैठकर काम क्यों नहीं कर सकते? लोग वैसे भी आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम लॉकअप कर लीजिए, आप यहाँ बैठकर ऑफिस का काम खत्म करिए, संतोष अपना लैपटॉप आपको दे देंगे, ठीक है? अरे मैडम, मुझे मेरी माँ से मिलना है, मैडम मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो आप उन्हें फोन कर लीजिए, वीडियो कॉल पर बात करिए, लगेगा सामने ही बैठी है। देखिए मैडम, मैडम कानून मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी पता है, मैं ना आप सबके ऊपर केस कर दूंगा, आपका ये थाना है ना, थाना पूरा थाना बंद हो जाएगा, आप सब अंदर से चले जाओगे। मैडम प्लीज निकालिए मैडम। पांच मिनट आपसे आपकी आजादी छीन ली गई तो आपका दम घुटने लग गया है। अभी आपने ये सोचा है कि आपकी बीवी जो 15 सालों से इसी घुटन से गुजर रही है उस पर क्या बीतती होगी? आप हमेशा अपनी बीवी से पूछते रहते हैं कि ये करने की क्या जरूरत है, वो करने की क्या जरूरत है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि 15 सालों से खुद की जिंदगी सैक्रिफाइस करके वो आपके और आपके परिवार का ध्यान रख रही है, उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? शादी है, शादी में हर जिम्मेदारी सिर्फ औरत की क्यों होती है? पति की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और क्या है ना बड़े भैया, हम जानते हैं जिसने रचना का पर्स चुराया, जिसने हुड़ी पहनकर चाकू से रचना को डराया, वो चोर तुम ही थे। क्यों वैभव, आखिर जरूरत क्या थी ये सब करने की? तो तुम्हें और क्या करता रचो, तुम्हें कितना तो समझाने की कोशिश की थी, कितना तुम्हें बोल रहा था कि एक एक औरत का ऐसे अकेले हॉलिडे पे जाना सेफ नहीं है, कितना डेंजरस है, पर तुम्हें तो बस धुन सवार थी अकेले हॉलिडे पे जाऊंगी। अरे समझना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ मैडम जो समझाने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी एक औरत को समझना चाहिए ना कि उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, माँ को देखना, बच्चे को देखना, मेरे घर के कितने काम होते हैं, ऐसे कामों को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के तू कैसे चली गई? और अगर तुम्हें ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भागना ही था तो फिर तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। बहुत अच्छा, अब आकर ठिकाने आएगा इसका। शादी क्या सिर्फ औरत की होती है मर्द की नहीं? परिवार क्या सिर्फ औरत का होता है मर्द का नहीं? एक शब्द और बोलोगे ना पत्ता गोभी की तरह छिल डालेंगे यहाँ पे। अगर तुमने इसको किसी भी चीज के लिए रोका ना, तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज करेंगे और तुमको जेल के अंदर डालेंगे, फिर अंदर अपनी सारी छुट्टियां मनाना, अपना हॉलीडे मनाना, समझे? समझ गए मैं। आवाज नहीं आई। मैं समझ गया हूँ मैडम, ये जिम्मेदारियां भी हस्बैंड वाइफ की मिली हुई होती है, अगर अपने हिस्से की आजादी चाहिए तो मुझे उसे भी आजादी देनी होगी, और ये भी समझ गया हूं कि ये आजादी उसकी जरूरत नहीं है, उसका अधिकार है जो उसे मिलनी ही चाहिए। मैंने माफ करी दे रचो। नहीं वैभव, ऐसा मत कीजिए। थैंक यू मैडम सर, आज आपने मेरे पति को वो बात समझा दी जो मैं पिछले 15 साल में नहीं समझा पाई, लेकिन माफ कीजिएगा, मेरा वोट आपको नहीं करिश्मा मैडम को जाएगा। कांग्रेट्स। क्योंकि आखिर डोज तो उन्हीं का काम आया ना, और आप सबके लिए ये तो बनता है। तो आइए जानते हैं हमारे लखनऊ शहर की जनता के मन में क्या चल रहा है, वो किसे वोट देने वाली, हसीना मलिक को या फिर करिश्मा सिंह को? Excuse, आप किसे वोट देंगे? किसे वोट देंगे? वीडियो नहीं देखा आपने? अरे कितना समझाया हसीना मैडम ने उस लेडी के हस्बैंड को, नहीं समझ में आया पर करिश्मा मैडम का एक कंटाप पड़ा, एक सेकंड में सब समझ में आ गया। भौकाल इज बेटर देन जज्बात। सर आप किसे वोट देंगे, हसीना मलिक को या फिर करिश्मा सिंह को?
देखिए भाई, हसीना मल्लिक का तरीका ही सही है। संयम नाम की भी कोई चीज होती है। जज्बात से काम लो, प्यार से, शांति से, मोहब्बत से। जी, थैंक यू। अबे देख रहे हो, निकाल रहे हैं, चले आ रहे हो, फोड़ फाड़ डालेंगे तुमको। तो अब हम आ चुके हैं लाल चौक मार्केट में। आइए, यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि वो किसे वोट देंगे। एक्सक्यूज मी मैम, आप किसे वोट देंगे, हसीना मलिक या फिर करिश्मा सिंह? करिश्मा सिंह। ओके, आप? हम भी करिश्मा सिंह को देंगे। वो कहा है क्या, करिश्मा सिंह का बौकाल हमको बहुत पसंद है। ओके, और आप? हम देना चाहेंगे हसीना मलिक को। ओके, तो जैसा कि आपने देखा, करिश्मा सिंह के लास्ट केस सॉल्व करने का असर शहर की जनता के सर चढ़कर बोल रहा है। पोलिंग के आंकड़े बदल चुके हैं, जनता का रुख करिश्मा सिंह की ओर मुड़ चुका है। वही करिश्मा सिंह जो वोट्स में काफी पीछे चल रही थी हसीना मलिक से, अब लगभग उनके बराबर आ चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होगी, हसीना मलिक की या फिर करिश्मा सिंह की। फिलहाल तो सबकी जुबा पर एक ही स्लोगन है कि हसीना मलिक में है दम, लेकिन करिश्मा सिंह भी है नहीं किसी से कम। सच में करिश्मा सिंह, आपकी कामयाबी देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। क्या है ना, कॉम्पिटिशन जितना टफ हो, जीतने में उतना ही मजा आता है। अच्छी कामयाबी है, लेकिन क्या है ना कि आंकड़े हैं, कभी भी बदल सकते हैं। हम रेस में बस थोड़े से पीछे हुए हैं, बाहर नहीं गए। हार के हाशिए पे तो आई गई है मैडम सर, आप रेस से भी बाहर हो जाएंगे। ये तो हम आपको जीते नहीं देंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.